देखो, वन डायमेंशनल बॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कि जो वन डायमेंशनल बॉक्स है, उस वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर कोई भी पार्टिकल अगर गति करता है तो उसकी गति के लिए जो उसका तरंग फलन होगा वो क्या होगा वो हमने निकाला था, साथ में उसकी एनर्जी क्या होगी वो हमने ज्ञात की थी, और उस वेव फंक्शन के आधार के ऊपर पार्टिकल के पाए जाने की सबसे अधिकतम प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है ना? तो वन डायमेंशनल बॉक्स जिस प्रकार से आपने पढ़ा था वैसे के वैसे क्या होता है, थ्री डायमेंशनल बॉक्स भी होता है। उस थ्री डायमेंशनल बॉक्स के अंदर अगर कोई पार्टिकल गति करता है तो उस पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, ये भी हमको मालूम होने चाहिए। ठीक है ना? तो देखो, अभी जो पढ़ोगे आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर थ्री डायमेंशनल बॉक्स जिसकी विड्थ, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब और लंबाई साथ में हमको अगर मालूम हो तीनों के बारे में, तो उस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अंदर जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के अंदर गति करने वाले पार्टिकल के गति का तरंग समीकरण क्या होगा, तरंग फलन क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ठीक है, देखो थ्री डायमेंशनल बॉक्स, अब इसमें भी कुछ भी नहीं है, वही का वही जैसे वन डायमेंशनल बॉक्स था, इसमें भी क्या होगा, थ्री डायमेंशनल बॉक्स के अंदर इसकी जो चारों तरफ की दीवारें होगी उस दीवारों के बाहर जो भी पोटेंशियल होगा उसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और दीवारों के अंदर जो शेप होगा उसके अंदर पोटेंशियल का मान क्या होता है, जीरो। जहां पे जीरो पोटेंशियल है वहां पे पार्टिकल की जो गति होगी उस गति के तरंग फलन को हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ज्ञात करना पड़ेगा। जब हम तरंग फलन ज्ञात कर लेंगे तो साथ ही साथ में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उस तरंग फलन की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि उस पार्टिकल की उस बॉक्स के अंदर एनर्जी क्या है, उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इस बॉक्स का डायग्राम किस प्रकार से होगा, ये एक बॉक्स दिया हुआ है और इसके अंदर क्या है, कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब इस बॉक्स के ये जो दीवारें हैं, यहाँ तक कि ये जो इसके फलक है, उनके फलकों के ऊपर तो जो पोटेंशियल होगा वी एक्स का मान इनफाइनाइट होगा, किस जगह पे इनफाइनाइट होगा, एक्स, क्योंकि थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल है, तो इस वजह से इसको किस प्रकार से लिखोगे, वी एक्स वाई जेड। इसमें अब इसके अंदर दो कंडीशन है, एक तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, और एक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट होगी। तो ध्यान रखना कहाँ पे जीरो होगी, बॉक्स के अंदर तो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, और बॉक्स के सिरों के ऊपर जहां पे इसकी ये दीवार खत्म हो रही है उस जगह पर और उसके बाहर आउटसाइड पूरे के अंदर पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई जेड वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, लेकिन अंदर उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। तो हमें जहां पे जीरो है उसी जगह पे क्या है, पार्टिकल की गति पॉसिबल है, और उसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल के बारे में पढ़ सकते हैं, क्या सॉरी पार्टिकल की मोशन के बारे में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब मैंने थ्योरी करवाई थी तो उस समय मैंने जब वेव फंक्शन के प्रॉपर्टी के बारे में बताया था तो मैंने ये कहा भी था कि जहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है वहां पे वेव फंक्शन जीरो, वेव फंक्शन जीरो रहा मतलब वहां पे हम पार्टिकल के गति के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते, और जहां पे पोटेंशियल जीरो है वहां पे पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो देखिए अगर बॉक्स के अंदर पोटेंशियल जीरो है तो इसका मतलब अंदर तो वेव फंक्शन डिफाइंड होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा, पर बाहर पोटेंशियल का मान क्या है, इनफिनिट, मतलब वेव फंक्शन क्या हो गया, जीरो, मतलब बाहर पार्टिकल किस प्रकार की गति कर रहा है, उसका क्या मोशन है, उसकी क्या एनर्जी है, उसको डिफाइन करने वाला वेव फंक्शन जब जीरो हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि बाहर हम कुछ भी उसके लिए पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, जो भी डिफाइंड होगा एनर्जी मोमेंटम वगैरह वो सारा का सारा बॉक्स से अंदर होगा। तो अब देखिए जब इस बॉक्स के लिए अगर हम पोटेंशियल को लिखना चाहेंगे तो वो उसकी समीकरण किस प्रकार से होगी, दो इक्वेशन होगी, एक तो जीरो और एक होगी इसकी इनफाइनाइट। जीरो कौन सी कंडीशन होगी,
इस कंडीशन में जीरो होगी, मतलब जीरो से लेके ए के बीच में, जीरो से लेके बी के बीच में, जीरो से लेके सी, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश से अगर आप जीरो से लेके ए लेंथ तक जाओगे तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। वाई के ऊपर जीरो से बी तक, जेड के ऊपर जीरो से सी के ऊपर, इन तीनों लेंथ के बीच में पोटेंशियल का मान जीरो होगा। और पोटेंशियल इंफिनिट कब होगा, जब हम क्या जाएंगे इस सट फलक की दीवारों के ऊपर चले जाए या उस दीवारों से बाहर या फलकों से बाहर चले जाए या फलक के ऊपर चले जाएंगे तो उस कंडीशन में पोटेंशियल का मान इंफिनिट हो जाएगा और उस जगह पे वेव फंक्शन क्या हो जाएगा आपके, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी लिमिट क्या होगी, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, जेड लेस देन इक्वल टू जीरो, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसका पोटेंशियल होगा। मतलब इस प्रकार से इस थ्री डायमेंशनल बॉक्स के पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइंड कर सकते हैं। अब देखो कि जब मोशन को डिफाइंड करना है तो उस कंडीशन में यूज कौन सी समीकरण होगी, सोडिंगर की गति की तरंग समीकरण यूज होगी। और सोडिंगर की तरंग की गति की समीकरण है उसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल के तरंग फलन को ज्ञात करते हैं। तरंग फलन गति के कारण उत्पन्न होगा तो उस गति से ध्यान रखना कि जो सोडिंगर की समीकरण होगी उसमें पोटेंशियल कौन सा यूज होगा, जीरो वाला, क्योंकि उसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वेव फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं। इन्फाइनाइट वाली जगह पे तो पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो ये पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल के आधार के ऊपर अगर हम सोडिंगर की तरंग समीकरण लिखना चाहे या गति की समीकरण लिखना चाहे इस पार्टिकल के लिए, वो भी हम लिख सकते हैं। वो समीकरण क्या होगी आप लोगों के, अब डायमेंशन कौन सा है, थ्री डायमेंशन है, तो यहाँ पे जो समीकरण आएगी सोडिंगर की वो क्या आएगी आपके, डेल स्क्वायर साइन प्लस टू एम ई माइनस वी अपॉन एच कट का स्क्वायर साइन जीरो। ये समीकरण आएगी थ्री डायमेंशन के अंदर। वन डायमेंशन में लिखते हो तो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इस प्रकार से अलग अलग अक्ष के सापेक्ष लिखते हो। पर यहाँ पे ये डेल स्क्वायर जो है, डेल संकारक तीनों का ही क्या होता है, युग्मित रूप होता है, एक्स का, वाई का और जेड का, इस वजह से यहाँ पे डेल स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब देखो गति कौन से पोटेंशियल के लिए पॉसिबल है, ओनली फॉर वी बराबर जीरो के अंदर हम पार्टिकल की गति को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल वी बराबर क्या हो जाए, जीरो, और डेल स्क्वायर का अगर आप मान रख दोगे तो ये समीकरण किस प्रकार से आएगी, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस टू एम ई अपॉन एच कट का स्क्वायर साइन बराबर जीरो। ठीक है, ये आ गई। अब देखो कि जैसे ये पता चल गई तो अब देखो इसमें टोटली आप लोगों के पास में कितने अक्सेज है, तीन, मतलब थ्री डायमेंशन पढ़ रहे हो। तो ये वेव फंक्शन है, आप लोगों को मालूम है वेव फंक्शन जो है वो दो चीज का युग्मित रूप होता है, एक तो किसका, एनर्जी सॉरी टाइम का, और एक स्थिति का, पोजिशन का, मतलब पोजिशन और टाइम का जो टर्म होती है वो दोनों ही मिलके क्या करती है, आपको दोनों के गुणनफल मिलके किसको प्रदर्शित करता है, टोटल वेव फंक्शन को। पर यहाँ पे ओनली फॉर अपन डिपेंडेंसी किसकी ले रहे, एनर्जी मतलब स्थिति पोजीशन, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, वो किस प्रकार से किस पोजीशन के ऊपर उसकी क्या गति है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि जैसे ही हम थ्री डायमेंशन में आ जाते हैं तो उस कंडीशन में ये वेव फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, तीन स्थितियों, तीनों अक्षों के सापेक्ष जो होगा वेव फंक्शन होगा उसका अलग अलग उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो साइन होगा वो किस प्रकार से लिखोगे, अतः इस स्थिति में तरंग फलन साइन एक्स वाई जेड को क्या करोगे, निम्न प्रकार से व्यक्त करोगे, जैसे पोटेंशियल तीनों अक्ष के ऊपर डिपेंड करेगा वैसे के वैसे ये वेव फंक्शन भी तीनों अक्ष के ऊपर डिपेंड करेगा। और उस कंडीशन में ये जो वेव फंक्शन आएगा वो क्या होगा, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, इसमें ये साइन एक्स वाई जेड जो होगा वो किसके किसके, एक्स इंटू कैपिटल
स्मॉल एक्स वाई इंटू स्मॉल वाई जेड इंटू स्मॉल, इन तीनों के ही मल्टीप्लीकेशन के बराबर। मतलब एक्स एक्स के अनुदिश जो वेव फंक्शन होगा, वाई एक्स के अनुदिश जो वेव फंक्शन होगा, और जेड एक्स के अनुदिश जो वेव फंक्शन होगा, उन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो टोटल आपके एक्स वाई जेड तीनों ही अक्षों के सापेक्ष किसके सॉरी कण के वेव फंक्शन को शो करेगा। एक चीज इसमें इतना ध्यान रखना कि जो पोटेंशियल और वेव फंक्शन में डिफरेंस इतना होता है कि जो पोटेंशियल को लिखते हो तीनों अक्षों के लिए तो वो तीनों अक्षों के ऊपर जो उसकी वैल्यू होती है वो उसके अंदर ऐड होती है, पर यहाँ पर क्या होगी वो वैल्यू उसके अंदर वेव फंक्शन के लिए वो उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन के रूप में आती है, क्योंकि ये क्या होता है वेव फंक्शन होता है साइन कॉस और एक्सपोनेंशियल के रूप में, इस वजह से ये सारी की सारी वैल्यू क्या होती है मल्टीप्लीकेशन के ऊपर आती है, और उसमें वो सारी की सारी किस्म आती है एडिशन के रूप में आती है, वो ये इन दोनों में चेंज है। अब देखो ये जो साइन एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आपको किसमें पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है, और उसके बाद में इसी साइन एक्स वाई जेड का क्या करना है इस इक्वेशन नंबर एक में भाग भी देना है। तो यहाँ पे जो आगे क्या होगा इक्वेशन नंबर टू से इक्वेशन नंबर एक में मान रखकर इक्वेशन नंबर दो का एक में भाग देना, क्योंकि भाग दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो साई है, अब इसमें देखो डिपेंडेंसी यहाँ पे इस डेल फंक्शन की इसके ऊपर है ओनली फॉर एक्स के ऊपर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ओनली फॉर एक्स वाली टर्म ही डिफरेंशिएट होगी, बाकी वाली कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट रहेगी उसका अलग अलग आप वापस डिफरेंशिएशन करोगे तो भी वो क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के रूप में थ्री टाइम मल्टीप्लीकेशन में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वही का वही अवकलन का गुणनफल वाला नियम लग जाएगा, इसके अंदर तीनों का अलग अलग बार डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, तो जो y वाली टर्म होगी वो x के सापेक्ष कांस्टेंट, z वाली है वो y और x के सापेक्ष कांस्टेंट हो जाएगी, तो सारी की सारी टर्म कट जाएगी। तो उस कंडीशन में जब आप यहां से मान रखोगे और इसका भाग दोगे तो इक्वेशन किस प्रकार से प्राप्त होगी वो देख लो, यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी x कैपिटल x डेल स्क्वायर x कैपिटल x अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कैपिटल y डेल स्क्वायर कैपिटल y डेल y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कैपिटल z स्मॉल z डेल स्क्वायर कैपिटल z अपॉन डेल z प्लस 2 n e अपॉन h कट का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गई थ्री डायमेंशन के अंदर किसी भी पार्टिकल की गति के लिए श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है, मतलब पार्टिकल के मोशन को व्यक्त करने वाली तो तरंग की गति की समीकरण होगी, वो समीकरण कौन सी होगी ये वाली होगी, ये ध्यान रखना। मतलब अगर शॉर्ट फॉर्मेट में डिफाइन करो, मतलब तीनों अक्षों के सापेक्ष अलग अलग वेव फंक्शन से डिफाइन करोगे तो उस कंडीशन में समीकरण को क्या करोगे इस प्रकार से लिखोगे। अब देखो ये समीकरण जो तीन आई है ये तीन समीकरण नंबर तीन क्या है तीन चीजों का युग्मित रूप है। किस किस का तीन तीन का कैसे, एक तो एक्स एक्स के सापेक्ष, फिर वाई के सापेक्ष, फिर जेड के सापेक्ष, और तीन हो गए इसमें। इन तीनों को अगर आप अलग अलग लिखोगे तो किस प्रकार से लिखोगे इन तीनों को अगर आप समीकरण नंबर तीन की लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप तीनों ही अक्षों के सापेक्ष इसको अलग अलग लिखना चाहोगे, ये क्या है तीन पदों का युग्मित रूप है, ठीक है, तीन पदों का कौन से वाला होगा इन तीन पदों का, ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहोगे तो उस कंडीशन में ये किस प्रकार से प्राप्त होगा आपके वन अपॉन एक्स स्मॉल एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर आता था
ये अगर देखोगे तो वहां पे तो ओनली फॉर एक अक्ष ले रहे थे, पर यहाँ पे तीन अलग अलग अक्ष ले रहे हो, तो तीन अलग अलग अक्ष ले रहे हो तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी वो भी तीनों अक्षों के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जैसे ये वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए मतलब आप पढ़ोगे तो उसमें यहाँ पे एक्स अक्ष लेते थे ओनली फॉर एक अक्ष के अनुदिश लेते थे, तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, ये जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, तीन अलग अलग अक्षों के लिए तीन अलग अलग इक्वेशन होगी। इसको आगे लिखोगे तो और क्या लिख सकते हैं, इसको डेल स्क्वायर एक्स स्मॉल एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स स्मॉल एक्स टू जी, ठीक है। और इसी टाइप की इक्वेशन जो थी उसको हमने जब सॉल्व किया था तो उस कंडीशन के अंदर आपने जब इसको सॉल्व किया था किसके लिए, वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए हल करने पर आपकी इसका सॉल्यूशन जो आया था वो क्या आया था, रूट टू अपॉन ए साइन एक्स, इस टाइप की इक्वेशन आई थी। उसमें क्या लिखते थे, ओनली फॉर के एक्स एक्स लिखते थे, सॉरी के एक्स लिखते थे, और वहां पे के का मान आप क्या लिखते थे, एन पाई अपॉन ए लिखते थे, के बराबर क्या लिखते थे, एन पाई अपॉन ए। पर यहाँ पे अब एन पाई अपॉन ए ना आए नहीं आएगा क्योंकि तो यहाँ पे अपन कौन से अक्ष के अनुदिश ले रहे, एक्स अक्ष के अनुदिश ले रहे, तो यहाँ पे के एक्स यहाँ पे एन एक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी, टोटल इक्वेशन जो आएगी वो किस प्रकार से आएगी, एक्स एक्स इक्वल टू रूट टू अपॉन ए साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, ये सॉल्यूशन आ गया। इसी प्रकार से वाई के लिए लिखोगे, इसी प्रकार से हम किसके लिए लिखेंगे, जेड के लिए भी लिखेंगे। तो जैसे ही हमने एक्स एक्स के लिए लिखी है वैसे के वैसे अगर हम इसको वाई के लिए लिखना चाहेंगे ये समीकरण, तो वाई के लिए क्या आएगी, वन अपॉन कैपिटल वाई डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। फिर से इस वाई को उधर की तरफ ट्रांसफर करोगे तो ये इक्वेशन क्या आएगी, डेल स्क्वायर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर जीरो। अब इसका भी सॉल्यूशन लिखोगे तो इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो वो सॉल्यूशन क्या प्राप्त होगा आप लोगों की, y इज इक्वल टू रूट टू अपॉन b। अब यहाँ पे b आएगा क्योंकि आप b अक्ष के अनुदिश जा रहे हो, आप y अक्ष के अनुदिश जा रहे हो, और y अक्ष के अनुदिश विड्थ क्या है, b है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे रूट टू अपॉन क्या आ जाएगा, b। क्योंकि आप देखोगे तो वहां पे जब हम प्रसामान्यीकृत फॉर्मेट में सॉल्व करते थे तो प्रसामान्यीकृत फॉर्मेट में वहां पे a आता था, a क्या थी, उस वन डायमेंशनल बॉक्स की विड्थ थी। अब यहाँ पे तीनों ही अक्षों के अनुदिश अलग अलग क्या यूज करनी है आप लोगों को, अलग अलग विड्थ यूज करनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट टू अपॉन बी साइन एन वाई पाई वाई अपॉन बी आ गई। इसी प्रकार से तीसरे अक्ष के लिए जेड अक्ष के लिए लिखोगे तो जेड अक्ष के लिए ये समीकरण क्या होगा, जेड अक्ष के लिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर टू जीरो। और इसका सॉल्यूशन इसी तरीके से लिखना चाहोगे तो ये स्मॉल कैपिटल जेड जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, रूट टू अपॉन सी साइन एन जेड आई जेड अपॉन सी। अब देखो x x की वैल्यू मालूम, y y की वैल्यू मालूम, z z की वैल्यू मालूम, इस तीनों मानों को कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर दो में रखेंगे। जब समीकरण नंबर दो में तीनों मानों को रखेंगे तो हमें थ्री डायमेंशनल बॉक्स के अंदर कोई भी पार्टिकल अगर गति करता है उससे जनरेट होने वाले वेव फंक्शन के बारे में उससे हमें पता चल जाएगा। तो अगर हम थ्री डायमेंशनल बॉक्स के अंदर इक्वेशन नंबर दो में किसका किसका x x y y z z का मान रखें, ठीक है, अब मान रखेंगे तो यहां से जो वेव फंक्शन साइन x y z आएगा वो क्या होगा,
रूट एट अपॉन ए बी सी, तीनों ही मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे भी ये तीनों के तीनों मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, रूट टू अपॉन ए इंटू रूट टू अपॉन बी इंटू रूट टू अपॉन सी, तो ऊपर वाले टू टू तो सब मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो 8 आ जाएगा, और नीचे ए बी और सी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, और मल्टीप्लीकेशन में साथ में क्या आ जाएगा, साइन एन एक्स पाई एच अपॉन ए साइन एन वाई पाई वाई अपॉन बी साइन एन जेड पाई जेड अपॉन सी। ये जो तरंग फलन है ये किसको शो करता है, ये जो वेव फंक्शन है ये थ्री डायमेंशनल बॉक्स में किसी भी पार्टिकल द्वारा जनरेट होने वाली तरंग के तरंग फलन को व्यक्त करता है। तो ध्यान रखना ये क्या है, त्रिविमीय बॉक्स में गतिशील कण का क्या है, कण का तरंग फलन, ये इसमें ध्यान रखना है। जैसे ये तरंग फलन निकला है वैसे वैसे आप एनर्जी को लिखना चाहोगे या ऊर्जा मान को लिखना चाहोगे, तो वो भी क्या होगी, जिस प्रकार से ये एक्स वाई जेड तीनों के ऊपर डिपेंड करी है, एनर्जी भी क्या होगी एक्स वाई और जेड तीनों घटकों के युग्मन के बराबर होती है। जैसे वहां पे आप देखते थे सॉल्व करते थे तो वहां पे के स्क्वायर किसके बराबर होता था, टू एन ई अपॉन एच कट के स्क्वायर के बराबर होता था, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये के स्क्वायर ओनली फॉर एक अक्ष के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, टोटली कितने अक्षों के ऊपर डिपेंडेंट है, तीन अक्षों के ऊपर, एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के ऊपर और जेड अक्ष तीनों के ऊपर डिपेंडेंट। तो इस वजह से ये जो के स्क्वायर होगा वो किस किस के योग के बराबर होगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके, टू एम ई अपॉन एच कट के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और आपने जो के एक्स की वैल्यू देखी थी वो क्या थी, एन एक्स पाई अपॉन ए थी, ठीक है। तो वही की वही सेम की सेम वैल्यू यहां पर भी क्या होगी, आप लोगों के आएगी अलग अलग वैल्यू आएगी इसके अंदर, यहां पे भी वो वैल्यू क्या आएगी, के वाई की एन एक्स पाई अपॉन बी के जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन जेड पाई अपॉन, ये तीन अलग अलग वैल्यू इसमें क्या होगी, यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर के क्या होंगे, अलग अलग मान होंगे, ये वाले वो मान यहाँ पे पुट करने हैं, तो वो वैल्यू क्या होगी, एन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, टू एम ई अपॉन एच कट का स्क्वायर। अब यहां से टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा जो कि तीनों अक्षों के ऊपर डिपेंडेंट वैल्यू होगी एन एक्स एन वाई एन जेड के ऊपर अलग अलग नोड्स के ऊपर या अलग अलग ऊर्जा स्तरों के लिए, तो यहां से एनर्जी जो होगी ई बराबर वो क्या आ जाएगी आपके, एच पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन टू एम, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है, एक चीज और है कि अगर जो आप थ्री डायमेंशनल बॉक्स ले रहे हो उस थ्री डायमेंशनल बॉक्स के तीनों भुजाओं की विड्थ अगर समान हो जाए, मतलब तीनों भुजाओं की जो लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर समान हो जाए, मतलब ए बराबर बी बराबर सी हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर ये एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, और वो फॉर्मूला जो आएगा वो क्या होगा, ई बराबर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर ऑन टू एन, ये क्या आ जाएगा आपके, एनर्जी का फॉर्मूला आएगा। मतलब आप देख ले रहे हो कि इस फॉर्मूले के अंदर भी क्या है, आप लोगों के टोटल वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस एन एक्स एन वाई एन जेड के ऊपर। मतलब आप यहाँ से डी जनरेशन भी निकाल सकते हो, अभ्रष्टता भी निकाल सकते हो, मतलब कितने ऊर्जा लेवल जो होंगे उसकी एनर्जी जो होगी वो रिपीट होगी, मतलब एक ही प्रकार के अलग अलग ऊर्जा स्तर हमें कितने प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि अभ्रष्टता की डेफिनेशन में डी जनरेशन मैंने बताया था कि एक ही
प्रकार की एनर्जी के जो जब अलग अलग ऊर्जा स्तर में मिल जाते हैं तो वो ऊर्जा स्तर क्या कहलाते हैं, डी जनरेट ऊर्जा स्तर या डी जनरेट आइगन वैल्यू कहलाते हैं। ये हमने उस समय भी पढ़ा था, आइगन वैल्यू के लिए पढ़ा था, जब डी जनरेट आइगन वैल्यू की परिभाषा पढ़ी थी। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे एनएक्स एनवाई एनजेड का मान रखते, तो एनएक्स एनवाई एनजेड के कौन से मानों के ऊपर एनर्जी समान होगी, उसके लिए क्या है डी जनरेसी एनर्जी अलग अलग ऊर्जा स्तरों की, ये हम डी जनरेसी टेबल भी बना सकते हैं। डी जनरेट एनर्जी लेवल के लिए अपन एनर्जी टेबल भी बना सकते हैं। और दूसरी चीज ये, यहाँ पे भी मिनिमम एनर्जी के लिए किसी भी एनएक्स एनवाई एनजेड की वैल्यू जीरो नहीं होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एनएक्स एनवाई एनजेड की वो क्या हो सकती है, वन हो सकती है, इससे कम कभी भी नहीं होगी। क्योंकि अगर जीरो हो जाएगी तो एक अक्ष जीरो होगी तो उस कंडीशन के अंदर वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वेव फंक्शन कभी भी जीरो हो जाता है जिस समय भी, उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन के जीरो होते ही इसका मतलब ये कि उस अक्ष के अनुदिश तो पार्टिकल का मोशन ही डिफाइंड नहीं है। पर अगर एक अक्ष के अनुदिश डिफाइंड नहीं हो पा रहा तो बाकी वाले दो के सापेक्ष भी डिफाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में वेव फंक्शन पूरा ही क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब एनएक्स एनवाई एनजेड तीनों में से एक के भी जीरो होते ही पूरा का पूरा वेव फंक्शन जीरो, पूरा का पूरा वेव फंक्शन जीरो। मतलब पार्टिकल की बॉक्स के अंदर गति डिफाइंड नहीं है, जब बॉक्स के अंदर गति डिफाइंड नहीं है, बाहर तो पहले ही डिफाइंड नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल वहां पे क्या है, इनफाइनाइट है। तो इस वजह से ध्यान रखना कि जो एनएक्स एनवाई एनजेड जो तीनों ही होंगे, यहाँ पे वेव फंक्शन आप देखो तीनों के तीनों से साइन के फंक्शन क्या है, मल्टीप्लीकेशन के रूप में। इस वजह से ध्यान रखना एनएक्स एनवाई एनजेड की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा एक हो सकती है, इससे कम उसकी वैल्यू कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो इसकी जो डीजनरेसी की, जो मतलब अपन ये एनर्जी पढ़ रहे हैं अलग अलग ऊर्जा स्तर के लिए, अगर हम एक ही प्रकार की एनर्जी को देखना चाहें कि मतलब अभ्रष्ट ऊर्जा स्तर कौन से होंगे, या किसी भी ऊर्जा स्तर की अभ्रष्टता कितनी है वो अगर हम देखना चाहें, किसी एनर्जी की अभ्रष्टता कितनी है, जैसे कि मान लो कि इसको आप ई एन मान रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर आप एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों की वैल्यू वन वन देते हो तो सबसे मिनिमम वैल्यू तो वन वन के ऊपर ही प्राप्त होगी, तो ये एनर्जी जो होगी वो क्या आएगी, थ्री पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर के बराबर आएगी सबसे मिनिमम एनर्जी। तो इसी टाइप की और आप एनर्जी पढ़ोगे तो वो एनर्जी कितने बार रिपीट होती है, मतलब ऐसी एनर्जी या इससे अधिक एनर्जी है वो कितनी बार रिपीट होती है वो हमें ज्ञात करनी है। तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ई वन हो जाएगी सबसे मिनिमम ऊर्जा स्तर के लिए। लेकिन ई टू का मान, ई थ्री, ई फोर, अलग अलग आप एनर्जी लेवल के मान देखोगे तो वो एनर्जी किस प्रकार से रिपीट होती है, उसकी डीजेनरेसी अलग अलग एनर्जी लेवल की क्या होगी वो अब हमें देखनी है। तो देखो वो भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहली एनर्जी जो है E बराबर क्या है, 3E। एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर, जब विड्थ तीनों ही साइड की क्या हो जाए, समान हो जाए उस कंडीशन में। देखो ये 3E1 मतलब टोटली आप लोगों के 3E1 से मतलब यहाँ पर है जो ये टोटल मिनिमम एनर्जी है वन डायमेंशनल बॉक्स की क्या बन जाती है, पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर, ये वन डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी होती है। तो ये आगे वाली वैल्यू को छोड़ दिया और इसको क्या मान दिया है, E1 मान दिया, ठीक है। तो एनएक्स एनवाई एनजेड तीनों का मान अगर वन होगा तो उसी कंडीशन में क्या आ सकता है, यहाँ पे आगे इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, तीन आएगा, तो इसी इसने 3E1 लिखा है। तो इसकी तो डीजेनरेसी क्या होगी, वन 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 वन, मतलब आप इसको कैसे भी इधर उधर वन को ट्रांसफर करोगे तो इसकी एक ही कंडीशन होगी कि यहाँ पे ये वाला ही सेट बनेगा, इससे ज्यादा सेट नहीं बनेगा। दूसरा आपका जो सेट है वो क्या है, ई बराबर 6E1, इसकी डीजेनरेसी क्या होगी, तीन। अब इसका कैसा होगा सेट, वन वन, ठीक है। एनएक्स का मान वन, एनवाई का मान वन, पर एनजेड का मान क्या है, टू, तो ये चार आ जाएगा,
चार प्लस एक पांच, पांच प्लस एक छह, ठीक है। अब देखो इसको रिपीट करते जाओ, रिपीट कैसे, इसको कैसे लिख सकते हो, वन टू वन, और क्या लिख सकते हो, टू वन वन, मतलब एक बार एन एक्स के ऊपर टू है, एक बार एन वाई के ऊपर टू है, और एक बार एन जेड के ऊपर टू है। टोटल कितने सेट मिल रहे, तीन सेट, मतलब इन तीन अलग अलग ऊर्जा स्तरों या तीन तीन अलग अलग एन एक्स एन वाई जेड के मान के ऊपर आपको क्या है, सेम एनर्जी मिलेगी। तो मतलब इस ऊर्जा स्तर जो ये एनर्जी ई बराबर सिक्स ई वन एनर्जी का ऊर्जा स्तर होगा वो कितना होगा, थ्री टाइम डी जनरेट होगा। मतलब इसके अंदर क्या होगी, इस तरीके से क्या होगी, तीन अलग अलग ऊर्जा स्तर होगी ऐसे, ठीक है। इस तरीके से इसकी भी एनर्जी क्या होगी, सिक्स ई वन, इसकी भी एनर्जी क्या होगी, सिक्स ई वन, इसकी भी एनर्जी क्या होगी, सिक्स ई वन। बस यहाँ पे एन एक्स एन वाई जेड के मान क्या होंगे, वन वन टू, वन टू वन और टू वन वन, ठीक है। अब आगे एनर्जी ई बराबर आपके क्या आ जाएगी, नाइन ई वन, ये भी क्या होगा, थ्री टाइम डी जनरेट होगा, कैसे, तीन एक एक, जीरो तो होगा ही नहीं, जीरो तो मैंने पहले बता दिया इसमें होगा ही नहीं। अब देखो तीन का स्क्वायर, सॉरी तीन का नहीं आएगा, दो का, दो दो एक आएगा, तीन तो ग्यारह के आ जाएगा, दो का स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर चार प्लस एक, तीन सेट इसके भी, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एनर्जी क्या आ जाएगी, इलेवन इवन, इसके भी तीन सेट होंगे, ठीक है, थ्री वन वन, वन थ्री वन, वन थ्री सॉरी वन वन थ्री, वन वन थ्री, ठीक है। तो ये तीन क्या हो जाएंगे इसके डीजनरेट लेवल होंगे। बीच में एक और एनर्जी लेवल जो आएगा वो आपके ई बराबर क्या आएगा, ट्वेल्व, और इसकी डीजनरेसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वापस वन होगी। इसका कारण क्या है, टू टू टू, क्योंकि अब इसको रिपीट करोगे तो इसका तो ये एक ही सेट है, इससे अलावा इसका कोई और सेट नहीं होगा। अब एक सेट और कौन सा आएगा, ई बराबर फोर्टीन ईवन, ये फोर्टीन ईवन जो होगा वो किसके, इसके टोटल कितने सेट होंगे, कितने सेट बनेंगे, टोटल छह सेट बनेंगे, वैल्यू कौन सी होगी, वन टू। अब इसको क्या करोगे, अगर आप रिपीट करते जाओगे ना तो टोटल कितने सेट आएंगे, छह सेट आएंगे, कौन से, एक थ्री टू वन, एक टू थ्री वन, एक थ्री वन टू, एक टू वन थ्री, और एक आएगा थ्री वन टू आ गया, वन थ्री टू आ गया, कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे टोटल इसके क्या आ जाएंगे, छह सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इतनी काफी है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है, इतने मतलब ये टोटल इतने तक एनर्जी लेवल ध्यान रखना है, ये कौन सा है, पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इतनी तक तो जाएगा ही नहीं, मतलब पूछेगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहीं तक पूछेगा कि आप थ्री वन या सिक्स वन एनर्जी लेवल के लिए आपके कितनी डीजेनरेसी है। तो डीजेनरेसी का एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि डायमेंशनल बॉक्स के अंदर दी गई किसी भी एक एनर्जी को भी दे देगा, इस एनर्जी के बारे में फॉर्मूला अगर याद है तो डीजेनरेसी याद करना और भी ज्यादा सरल है, ठीक है।